सो गाइज अब हम निकल चुके हैं उस शॉप से। तो अंकु आपको कैसा लगा भाई सामान जो आपने लिया? ये लिया आपने, ये वाला या दूसरा वाला? ये लिया, दिखाइए। चालीस। सो गाइज कितना ब्यूटीफुल है, कितने लिए आपने? इसके लिए 40। 40 रुपये? तो 40 रुपये बहुत अच्छा है भैया, एक चावल के दाने में पूरा का पूरा नाम आ गया। सो गाइज देख सकते हैं आप, बाकी बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर शॉप लगी हुई है, आप देख सकते हैं गाइज। बच्चों की खास करके हर शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कपड़े। वाह नाइस सामान, नाइस सामान। ये जूते की शॉप। सो गाइज कहना गलत नहीं होगा कि हर प्रकार का सामान यहाँ पर आपको उपलब्ध है, सस्ते से लेके महंगा आप देख सकते हैं। वही चारों तरफ जो है कि दुकान ही दुकान है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गाइज नाइस। गाइज मैंने आपको दिखा दी ज्वेलरी मेले की भाई भव्य दुकान है, और काफ़ी अच्छा सामान मुझे यहाँ पर लगा, और यूनिक लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि भैया उनके रेट टस्से मछली होंगे। कह रहे हैं कि अगर भाई आपका चैनल देखकर अगर आप इस चैनल के माध्यम से जाते हैं इनकी दुकान पर, तो और भी वो जो है कि मतलब रेट में गिरावट करेंगे और भी कम करेंगे रेट। तो आइए अगर आप ज्वेलरी मेले में आते हैं तो ज़रूर आइए भैया लोगों की दुकान में, और अच्छा सामान इनके पास है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भैया हमारा काम है दिखाना, बाकी आप आइए और फ़ायदा उठाइए ज्वेलरी मेले का। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो गोरी और काली नदी का संगम है भाई, वो कितना विकराल रूप ले चुका है इस बार, क्योंकि गाइज बारिश हुई थी, आपको पता है उत्तराखंड में 2-3 दिन बहुत तगड़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो नदियों का रौद्र रूप है भैया वो देखते ही बनता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको नदी का रौद्र रूप। तो आप क्या लगता है मतलब गाइज मैं आपको रियली बताऊँ, 2 साल पहले जब हम मेले में आए थे तो भैया इतना रौद्र रूप तो नहीं था नदी का, बट इस बार बहुत खतरनाक नदी का तो है, रूप है, विकराल है। जैसे ही हम दुकान से निकले तो यहाँ पर से शुरू होती है रेतीली भूमि, आप देख सकते हैं रेती रेत है, और उसके बाद जैसा कि मैं कहना चाह रहा था आपसे भैया नदी का जो रौद्र रूप है वो तो आप देख सकते हैं, देखते ही बनता है, क्योंकि भाई 2 साल पहले इतना रौद्र रूप नहीं था इस नदी का, बट अभी तो मैं क्या ही बताऊं दोस्तों आपको, ओ माय गॉड। सो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, जो ये वाला पुल है ये इंडिया का एरिया हो गया, ठीक है ना, ये अपना हो गया भारत, और इस पुल के बाद जब हम जाते हैं तो ये हो गया अपना नेपाल का एरिया। तो ज्वेलरी मेला लगता है जस्ट गोरी और काली नदी के संगम तट पर। तो आप देख सकते हैं एक नदी आ रही है इस तरफ से, आप देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बिल्कुल करीबी से दिखा रहा हूँ, तो एक नदी आ रही है अपने भारत से, आप देख सकते हैं ये रही, और ये गई सीधे नीचे, आप देख सकते हैं, और जो दूसरी नदी का क्षेत्र बनता है वो बनता है यहाँ से, आप देख सकते हैं हिमालय की गोद से ये नदी आ रही है। तो एक नदी आई यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल तट पर खड़ा हूँ जहाँ पर गोरी और काली नदी का संगम होता है, तो वहीं पर इस भव्य मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तो ये रही अपनी ज्वेलरी की मार्केट, ठीक है ना, ये रहा पुल जिसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे नेपाल, और ये रही अपनी नदी, ठीक है ना, गोरी नदी, और गोरी नदी गई सीधे कहाँ, नीचे, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसी गोरी नदी पे काली नदी का जो है मिलाप हो जाता है। तो दो नदियों के संगम तट पर ही ज्वेलरी का मेला प्रत्येक वर्ष की 14 तारीख यानी कि 14 नवंबर को होता है दोस्तों। तो काफ़ी खूबसूरत नदियों के संगम तट पर इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह 14 नवंबर को संपन्न किया जाता है, जो अपने आप में ही एक
खूबसूरत और अलौकिक छटा बिखेरता है दोस्तों। लहरें देखिए आप, ओ माय गॉड। अभी मैं हूँ पुल पर जो जोड़ता है चौलजी बी से नेपाल को, और ये पुल इतना हिल रहा है गाइस मैं क्या ही बताऊँ आपको। और नीचे का भी आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब कैसा लग रहा है। पुल भी काफ़ी हिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना हिल रहा है ये। और जो नीचे गाइस लगी है दुकानें आप देख सकते हैं, ये जबरदस्त शॉप यहाँ पर लगी हुई है, ओ माय गॉड। और वहाँ हमने जाना है दोस्तों, आप देख सकते हैं चक्कर आ रहा है थोड़ा हिलने नहीं। गाइस मैं रियली बताऊँ चक्कर वाकई आ रहा है यार, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो, ओ माय गॉड। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ नेपाल, और जितनी भी मेरे पीछे शॉप आपको दिख रही हैं भाई साहब, ये पूरी की पूरी नेपाल की शॉप है। अंगू कितना मज़ा आ रहा है आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं
जो उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो है जौल जीबी का मेला। और इस पुल से हम आए हैं, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो इस पुल से हम अभी आए और हमने ली है नेपाल में एंट्री। तो 14 नवंबर से ही नेपाल में भी मेला लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उस तरफ अपना भारत, बीच में नदी, और इस तरफ अपना नेपाल। तो जैसा कि 14 नवंबर से ही जौल जीबी में मेला लगता है, तो वैसे ही नेपाल में भी मेला लगता है। इससे होता ही है दोस्तों कि नेपाल के नागरिक भारत में आते हैं और भारत के नागरिक जो है नेपाल में जाते हैं, तो दोनों तरफ का जो मेला है काफ़ी भव्य मेला वो हो जाता है। तो नेपाल हमारा मित्र देश है गाइस, उस हिसाब से इस मेले का जो है प्रायोजन किया जाता है, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है कि दो मित्र देश इतना भव्य मेले का आयोजन करते हैं प्रत्येक वर्ष की 14 नवंबर की तारीख को। और जो व्यू है दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको, ओ माय गॉड, नदी के संगम तट पर जो ये नेपाल का मेला लगता है, तो भाई इसके तो मैं क्या ही कहूँ। सो गाइस देख सकते हैं आप, तो नेपाल का मेला यहीं पर लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बिदा भइराख्नु भएको छ र म पुनः सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई भोलि पर्सिका कार्यक्रमहरूमा पनि समय मिलाएर हाम्रो मेला महोत्सवलाई देख लिया दोस्तों आपने आज जौल जीबी का भी मेला और नेपाल का भी मेला। अब मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों भाई, इस मेले में मेरे को एक ही चीज़ सबसे बेस्ट लगती है, वो ये जिस पर मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे ये बना हुआ है। ओ माय गॉड, जब ये हिलता है ना दोस्तों दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी हाइट पर है। देख सकते हैं दोस्तों आप, ओ माय गॉड, कहाँ रह गई नदी और कहाँ रह गया ये ब्रिज। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जितनी भी ये दुकानें लगी हुई हैं ये अपने भारत में लगी हुई हैं जौल जीबी में, और जहाँ से मैं भी आ रहा हूँ वो है नेपाल। तो दोनों जगह मेला चलता रहता है गाइस, सो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद में यही करता हूँ भाई। ये झूले पुल में चलने में तो भाई इतनी डर लगती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि काफ़ी हिलता है गाइस ये। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, डर लग रही है? खा लेते हैं यार चौमिन वमिन, खा लेते हैं भूख लगी है, तो चौमिन वमिन खा के तो चलते हैं आगे को दोस्तों, क्योंकि भाई सर चकरा गया है वो पुल देखकर। तो मिलते हैं आप आपको आगे, क्योंकि भैया ये हो गया बिल्कुल न्यूज टाइप का, क्योंकि ऊंचाई से तो डर लगता ही है। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं चौमिन वगैरह, उसके बाद फिर आगे को बढ़ते हैं दोस्तों।